नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहेंगे। तो HPUG PG के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, इकाड्योल के स्टूडेंट हैं, साथ में ही जो एडमिशन्स हैं, HPU की रिजल्ट्स हैं, री इवेल्यूशन है, री अपेयर एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं, इसी के साथ जो स्पेशल चांस है, इकाड्योल के जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्होंने फ़ीस कैसे पे करनी है, तो इन सभी के बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो HPU के अंडर कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन की जो लास्ट डेट है UG की, वो भी एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG PG के जो रिजल्ट्स हैं, एग्ज़ाम हैं, प्राइवेट एडमिशन्स हैं, उन सभी के रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो UGC नेट की आंसर की है वो जल्दी ही जारी होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे UGC नेट की बात करें तो जल्द आएगी UGC नेट आंसर की। NTA ने 21 अगस्त से 4 सितंबर तक करवाई थी परीक्षा, तो NTA जल्द ही UGC नेट की आंसर की जारी करेगा। ये आंसर की जो है वो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट NTA.ac.in और UGCNET.NTA.ac.in पे जो है वो देखी जा सकेगी। इस साल UGC नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक आयोजित की गई थी। कुछ केंद्रों पे जो टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी और जो नेचुरल प्रॉब्लम आई थी, उनके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इन केंद्रों पे परीक्षा बाद में 4 और 5 सितंबर को दोबारा करवाई गई है। UGC नेट 2024 की आंसर की को देखने के लिए आपको NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा और वहाँ पे आंसर की जो है वो आप लोग देख पाओगे। वेबसाइट पे आपको पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज UGC नेट जून 2024 लिंक दिखेगा। इस लिंक पे क्लिक करें और इस पे जो है वो आंसर की आएगी और आंसर की जो है वो जल्दी ही यहाँ पे जारी हो जाएगी। और इस आंसर की में अगर कोई कमियाँ हैं तो जो भी अभ्यर्थी हैं उसको चैलेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कॉलेजेस में एडमिशन से संबंधित रहेगा। तो प्रदेश के कॉलेजों में फिर बड़ी एडमिशन की डेट, दाखिला लेने से चूके छात्रों को 12 सितंबर तक मिली राहत। तो प्रदेश के कॉलेजों में ऐसे छात्र जो एडमिशन लेने से चूक गए हैं, उनके पास एडमिशन लेने का एक और मौका है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन की तिथि को 12 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब छात्र प्रवेश ले सकेंगे। कॉलेजों में चौथी बार एडमिशन की तिथि को जो है वो बढ़ाया गया है। सबसे पहले कॉलेजों में जब एडमिशन का दौर चला था उस समय 16 जुलाई एडमिशन की डेट रखी गई थी, उसके बाद जो है वो अब चौथी बार इसे बढ़ाया गया है। वहीं सेशन शुरू हुए कॉलेजों में एक माह से भी ज़्यादा का समय हो गया है और अब एडमिशन लेने से रह गए अधिकतर छात्र जिनकी प्लस टू में कंपार्टमेंट थी और अब वे एडमिशन तिथि बढ़ाए जाने की डिमांड कर रहे थे। वहीं छात्र संगठनों ने भी प्रशासन के सामने इसका प्रस्ताव रखा था और HPU प्रशासन ने जो है वो इस प्रस्ताव को यहाँ पे मान लिया है और जो छात्र हैं वो 12 सितंबर तक अब एडमिशन ले सकते हैं। और ये डेट सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की बड़ी है जो HPU के अंडर आते हैं, यानी कि HPU के अंडर जो भी UG के कॉलेजेस आते हैं, शास्त्री कॉलेज आते हैं, उनमें छात्र जो है वो 12 सितंबर तक यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। इसी के साथ आप लोग जो है वो स्क्रीन पे जो एडमिशन एक्सटेंड हुई है लास्ट डेट, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो HPU के अंडर जितने भी अंडर ग्रेजुएट और शास्त्री कॉलेजेस आते हैं, जहाँ ये वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, वहाँ पे आप छात्र जो है वो 12 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो इकाड्योल के स्टूडेंट थे उनसे संबंधित रहेगा। तो HPU इकाड्योल में जो न्यू एडमिशन्स हो रही थी उनकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट अब ख़त्म हो गई है और यहाँ पे मैक्सिमम छात्र जो हैं उनकी एडमिशन कंफर्म हो गई है। अब ऐसे छात्रों को जो है वो यहाँ पे अपने सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब वो छात्र अपने सेमेस्टर की फ़ीस कैसे और कहाँ से पे करें, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पहले सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और उसके रिगार्डिंग एक और नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आपने जो है वो यहाँ पे nstudentportal.hpushimla.in वाले जो पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस पोर्टल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने अपनी ID और पासवर्ड जो है वो फिल करना है। जैसे ही आप अपने ID और पासवर्ड फिल करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन एक्टिविटी। तो अपने एडमिशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट। तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो भी आपकी
फीस है, चाहे वो पीजी के स्टूडेंट है चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पे कर देनी है। बाकी अब बड़े छात्र ऐसे भी रह गए हैं इकड्योल के जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अभी नेक्स्ट एडमिशन जो है वो आप लोगों की जनवरी सेशन में जो है वो ओपन होगी, यानी कि जो यहाँ पे इवनो रोड सेशन में चलती है इकड्योल की एडमिशन। अब जो छात्र रह गए हैं एडमिशन लेने से, जिन्होंने इकड्योल के थ्रू कुछ करना था, वो अब जो है वो जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकेंगे। हुए हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे जो आपके प्रभाकर पाक शास्त्री थे, उनके फर्स्ट सेकंड ईयर और आचार्य फर्स्ट सेकंड ईयर के जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने हैं सप्लीमेंट्री के, उनके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन जारी करा है। इसी के साथ जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी हुआ है। अब ये एग्ज़ाम आप लोगों के कहाँ पर होंगे, कौन से एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं, उनकी बात भी कर लें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो OTMIL सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है जो सितंबर अक्टूबर मंथ में होंगे, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला है वो सेंटर बना हुआ है। इसी के साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊना, गवर्नमेंट कॉलेज सोलन और आपका यहाँ पे राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान करसोग शिमला जो है वो ये सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसमें जो OTMIL सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट यहाँ पर करवाए जाएंगे। री अपेयर के बाद अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू री इवेल्यूशन के जो यूजी और पीजी के रिजल्ट हैं उनकी बात करें, तो पीजी के रिजल्ट में जो है वो एचपीयू ने जो है वो बड़ा ज़्यादा डिले कर दिया है। यहाँ पे पीजी के जो है वो कुछ एक छात्री ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट जो हैं वो आए हुए हैं, बाकी मैक्सिमम छात्रों के रिजल्ट अभी नहीं आए हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग जो है वो ज़रूर एक बार एचपीयू कॉल कर लें। अगर एचपीयू वाले वहाँ पर कॉल नहीं सुनते हैं तो इसका एक और सोल्यूशन है, तो जो आपका सीएम हेल्पलाइन वहाँ पे पोर्टल है, एक तो वहाँ पे कॉल करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो और दूसरा रिटर्न में भी कंप्लेन हो जाती है। तो आपने रिटर्न में जो है वो वहाँ पे कंप्लेन कर देनी है, जिसकी वजह से एचपी को जो है वहाँ पे रिटर्न में रिप्लाई देना ही पड़ेगा विद इन मंथ। तो ऐसे तो एचपी वाले आप लोगों को भी पता है कि वो इग्नोर ही करते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन मैंने देखा है वो ही है कि आप लोग जो है वो सीएम पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन कर दो और वहाँ पे एचपी को जो है वो वहाँ पे रिटर्न में इसका आंसर देना ही पड़ेगा। तो जिनके री वैल्यूशन के रिजल्ट पेंडिंग है वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम हो गया है। अब बात कर लें यूजी के री वैल्यूशन के रिजल्ट की, तो यूजी के री वैल्यूशन के रिजल्ट जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जारी हो गए हैं। अब वो उन्हीं स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी हुए हैं जहाँ पर कम छात्रों ने उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में री इवेल्यूशन फिल करी थी। तो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि किसका रिजल्ट आया है किसका नहीं आया है, तो मैं कई बार भी पहले भी बता चुका हूँ कि जो री इवेल्यूशन का रिजल्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। तो जैसे जैसे पेपरों की चेकिंग होती जाती है वैसे वैसे छात्रों का रिजल्ट जो है वो आता जाता है। तो अभी जिन छात्रों के रिजल्ट आए हुए हैं उन सब्जेक्ट में कम छात्रों ने री इवेल्यूशन फिल करी थी, जिसकी वजह से उनके पेपर जल्दी चेक हो गए और वहाँ पे रिजल्ट आ गए। अब कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बड़े ज़्यादा छात्र जो हैं वो फेल हुए थे या उनको कम मार्क्स मिले थे, तो जहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने अपने री इवेल्यूशन के फॉर्म फिल करे हैं उन सब्जेक्ट के रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। बाकी मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, बार बार मैं वीडियो में एडवाइस भी दे रहा हूँ कि जिनको भी री अपेयर आई हुई है वो री इवेल्यूशन के रिजल्ट का वेट ना करें, वो अपने री अपेयर के फॉर्म जो है वो फिल कर लें। अगर री इवेल्यूशन में उनके मार्क्स बढ़ जाएँ तो वो री अपेयर का एग्ज़ाम वहाँ पर ना दें। अगर री अपेयर और री इवेल्यूशन में अगर री इवेल्यूशन में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनके वो वहाँ पर काउंट हो जाएंगे, अगर री अपेयर और री इवेल्यूशन में री अपेयर में ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो वो वहाँ पर काउंट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे री इवेल्यूशन के चक्कर में छात्र अपना री अपेयर का एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो उनका यहाँ पे चांस जो है वो काउंट होगा और बाद में उनको सिर्फ एक ही चांस जो है वो रह जाएगा। तो ये जो भी छात्र है वो इतना बड़ा रिस्क ना लें और अपने री अपेयर का फॉर्म जो है वो यहाँ पे भर लें। अब बात करें कि जो एचपीयू के स्पेशल चांस की बात एचपीयू ने कही थी, जो अभी अप्रैल और मई मंथ में एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम वहाँ पे जो है वो री इवेल्यूशन का वहाँ पे जो स्पेशल चांस का यहाँ पे मौका था वो छात्रों को मिलना था, लेकिन इलेक्शन की वजह से नहीं मिल पाया। उसके बाद एचपी वालों ने बोला था कि जो सितंबर में एग्ज़ाम होंगे उस टाइम वो स्पेशल चांस मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया हुआ है। चांस तो मिलेगा लेकिन अब एचपी कब नोटिफिकेशन जारी करे कैसे जारी करे ये तो एचपी पे ही जो है वो डिपेंड है। अब इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को एक दे देता हूँ कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और एकेडमिक डीन को जो है वो एक एप्लीकेशन दें और उस एप्लीकेशन को वो जो
है वो मेल भी कर दें और उसमें वो बोलें कि उन छात्रों को स्पेशल चांस जो है वो दिया जाए। तो जितने ज़्यादा छात्र स्पेशल चांस वाले ये मेल करेंगे, ये एप्लीकेशन HPU देंगे, उतने ही चांसेस हैं कि जल्दी से जो स्पेशल चांस का यहाँ पर मौका है वो छात्रों को मिल जाए। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा या जैसे कुछ नया आएगा इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि UG के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो जैसे भी HPU यहाँ पे मेरी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में बात हुई थी तो वहाँ पे यही बोला था कि सितंबर में जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। तो अभी इस मंथ जो है वो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि जो UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएंगे। इसी के साथ PG रिजल्ट्स की बात करें तो PG के जो रिजल्ट हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के वो यहाँ पे जो है आप लोगों के अभी नवंबर दिसंबर मंथ तक ही जो है वो जारी होंगे और जो यहाँ पे एग्ज़ाम है PG के वो भी आप लोगों के दिसंबर या जनवरी मंथ में ही जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपके नवंबर दिसंबर में फिल होंगे। और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से प्राइवेट करना चाहते हैं छात्र PG तो उनके जो भी यहाँ पे फॉर्म है वो जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होंगे उन्हीं के साथ उनका एडमिशन कम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल होता है। तो जैसे ही रेगुलर के लिए फॉर्म आएंगे उसी के साथ प्राइवेट के लिए भी जो है वो उस समय यहाँ पे फॉर्म फिल होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा या कोई जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर जो है वो यहाँ पे शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी के साथ मैंने एक जो डिस्कशन ग्रुप है वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो। तो जैसे ही आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज करोगे तो जो भी आपकी क्वेरी रहेगी या जो भी आपका डाउट रहेगा उसको मैं सॉल्व करने की वहाँ पे पूरी ट्राई जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।